नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आईबीन 24 न्यूज़। दोस्तों आपको बता दें कि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कैथल रोड के ऊपर एक युवक जो था सड़क किनारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना धमाकेदार है कि उसकी यानी कि पहुंच वहां तक थी कि उसके माँ बाप को पता चल गया है, यानी उसका जो परिवार है वो मिल गया है और आज अपना आशियाना में उसका परिवार पहुंचा है। और आपको बता दें 1.5 साल से वो युवक जो था वो अपने घर से जो था लापता था और उसकी जो आपको बता दें उसके माता पिता हमारे साथ में हैं। और आपको उस युवक का नाम बता दें, नाम उसका है रोहित। तो यहाँ पर आपको बता दें उसका परिवार हमारे साथ में है, पिताजी उसके साथ में, आप देख सकते हैं ये तस्वीर भी उन्होंने यहाँ पर, आप तस्वीर देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर 19 वर्ष का जो उनका बेटा है वो गायब हो गया था, 1.5 साल उसे हो चुका था और उसके बाद कोई अता पता नहीं था। FIR आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो उनकी माता है उनके पास FIR है और उसके अंदर जो है उन्होंने ये रिपोर्ट की थी कि उनका जो बेटा है वो गायब हो गया। परिवार देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा परिवार है और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहित को इन तस्वीरों में, और आपको बता दें कि जो पिता हैं काफी ज्यादा भावुक जो है नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय नाम है जी मेरा। कहाँ से आप? किशनपुर से हैं जी, सिकंदराबाद के पास, यूपी से सर। तो बेटा मिल गया है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है साहब, 1.5 साल हो गया था बेटे साहब ढूंढे, परेशान हो गया आज, मैं ही जानू मैं कितना खुश हूँ आज। जो बात मैं तो ये कहूँ भगवान सबके मिलने चाहिए, जैसे आज मेरा मिला सबके ऐसे मिलने चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी जो है फिलहाल अपना आशियाना ने उसे रखा, लेकिन काफी बद से बदतर जिंदगी जी रहा था यहाँ पे सड़क किनारे, इसे हमने देखा तो वहाँ पर सड़क किनारे ठंड के अंदर ये सो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है उनके जो माता है वो भी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। जी, क्या कहना चाहेंगे? बेटा मिल गया आपका? हाँ, मेरा बच्चा मिल गया, नहीं तो कहीं मेरे को रात दिन यही चिंता लगी, जन किसी ने मार दिया है, जन कहा होगा, पूरी रात क्या नींद नहीं आती थी, ये रहती थी जन कहाँ होएगा, रोड पर पड़ा है, जन कहाँ कोई ले गया, यही चिंता रहती थी मेरे को। तो जिस तरीके से 1.5 साल हो चुका था, कहीं ना कहीं उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी मन से कि बेटा मिलेगा कदी, भी कदी, या नहीं मिलेगा। कभी कभी तो ऐसे जी में होती थी कि अब तो मुश्किल ही लगे, सब कह करें कि वो तो किडनी निकाल लें, बतेरे बेक देते हैं, ऐसे ले गया कोई, फिर पूरे दिन दिमाग पर टेंशन रहती थी, तो फिर दिमाग में ऐसे आता उधर नहीं कभी मिल जावे। तो कुछ पता नहीं चला, आपने ढूंढने की कोशिश भी की? नहीं, हमने 1.5 साल खूब ढूंढा था, हमें कभी भी पता नहीं लगा। हमने थाने में भी रिपोर्ट कराई लेकिन हमारी रिपोर्ट की कोई सुनवाई नहीं करी थाने वाले, सुनवाई नहीं करी, कंप्लेंट की थी, कुछ पता नहीं चला बेटे? नहीं, किसी ने कोई नहीं खबर दी जी हमें, कहीं हाँ है या वहाँ है, कोशिश भी नहीं की? हाँ नहीं की जी, गरीब आदमी कौन सुनता है जी ये तो बताओ। जी सुने जी, हमने तो भतेरी अपने से मंगी कर ली, बस रात को लौटे याद आवा ठंड में कहाँ सकुड़ रहो कहाँ है, कैसे पता चला खाना खाया जो बेटा है वो यहाँ है, कैसी जानकारी मिली आपको? हमें आपकी एक वीडियो मिली जी, उसे देख हम तुरंत भागे मन के, हमारा बच्चा फलानी जगह है, हम यहाँ पे आए हैं जी, यहाँ पे हमें हमारा बच्चा नज़र आया जी। तो जो बेटा है क्या थोड़ा बात सही से नहीं कर सकता है, कुछ परेशानी बेटे को? ऐसा है इतने दिन से गुम है जी, तो जानने से थोड़ा ऐसा भी कर रहा है जैसे कोई अनजान आदमी सामने खड़ा हो जाता है। जी, मुझे जान रहा है अपने पापा को, वो जान रहा है कि मेरे पापा है, सबके सामने अभी वो बक्के आया कि मेरे पापा है। रोहित नाम है? रोहित नाम है इसका। अब कितने 20 साल का है? हाँ इतना तो होगा, 1.5 साल तो उसे गायब होता ही हो गया है। हाँ 20 साल का, 1.5 साल में तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी खत्म हो चुकी होगी कि मेरा बेटा। यही है जी, देखो जिस समय घर से लापता हुआ था, जब आ टाइम पर क्लिनिक का बड़ा उछल रहा था कि वहाँ से बालक उठ रहे हैं, वहाँ से बालक उठ रहे हैं, भतेरे ढूंढा हमने, जहाँ तक हमारी उम्मीद है हमने काफ़ी पैसा भी लगाया भगने दौड़ने में, 2 इंच जा रहे हैं, 4 इंच जा रहे हैं, लेकिन हमें तो यही ना असल पड़ी कि कहाँ चला गया एक, प्यार भी वो हाँ जी, एक रात में ही गायब होगा, मतलब ये आगे आगे और पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं लेकिन हमारा हाथ ही ना लगा है कहाँ चला गया। हम तो बस यही है कि यही सोच रहे थे मन के मन नसीब में होगा तो आएगा, नहीं तो भैया हमारे घर से चला ही गया है वो, काफ़ी धक्का खाए। मैं आगरे तक भी घूम ही आया हूँ, काफ़ी जगह सब में मैंने पर्चा भी छापे हैं, बसन पे, ट्रकन पे, छोटी गाड़ी पे, बड़ी गाड़ी पे, लेकिन किसी ने भी ये ना कॉल करके गई भाई हमने ये लड़के इस तरीके से यहाँ देखा। आज मुझे इतनी खुशी है, मैं उसका सीना तान के अपने बेटे के धोरे खड़ा हूँ, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की मेरे सामने आया
पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ही ऐसा हुआ? पहली बार हुआ। आपको बता दें तस्वीरों में सामने जो है रोहित खड़ा है, इसका नाम रोहित है। जैसे कि कल हम कह रहे थे कि युवक का नाम हमें नहीं पता, लेकिन जो है रोहित है 20 साल का युवक है, और आप देख सकते हैं कि 20 साल का लड़का अब आपको बता दें कि दिमागी रूप से थोड़ा परेशान है, लेकिन एक बाप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं, जो बाप होता है उसका प्यार अपनी औलाद के साथ वैसा ही होता है, चाहे औलाद कैसी भी हो, चाहे वो दिमागी रूप से अक्षम हो, चाहे वो समर्थ हो, लेकिन प्यार प्यार ही होता है, माँ बाप माँ बाप ही होते हैं। और अब जो है यहाँ पर अपना शाना की टीम है, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो भी इस तरह के लोगों को जो है उन्होंने यहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद जो है उनको एक सहारा मिलता है। सहारा बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, आपको बता दें कि रहना खाना ये सब चीज़ें जो इंसान की जो है मौलिक ज़रूरतें जो उसे चाहिए वो उसे मिलती हैं यहाँ अपना शाना में। और हमारे साथ राजकुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है सर, क्या कहना चाहेंगे? सर सर्वप्रथम तो आपका सोशल मीडिया का तह दिल से धन्यवाद है जिन्होंने ये सेवा का कार्य किया। आप लोग एक समाज के अंदर वो कार्य कर रहे हैं जो एक आम आदमी की पहुंच तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके माध्यम से शीघ्र अति शीघ्र पहुंचा जाता है। सोशल मीडिया ने एक आधार स्तंभ का जो रोल है वो बड़े अच्छे से निभाया भी, और आपके माध्यम से जो लोगों ने, आपके फॉलोअर्स ने, जो व्यूअर्स हैं, उन सब ने इस वीडियो को, सोशल मीडिया की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करते हैं, ये कहीं ना कहीं मानवता की, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, तो कम से कम घर बैठ के किसी बिछड़े परिवार के बच्चे को उसके माता पिता से मिलवा दो, तो ये भी एक बहुत बड़ी पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। आप मंदिर नहीं गए कोई बात नहीं, गुरुद्वारे नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक शेयर कर देते हो ऐसी वीडियो जो जरूरतमंद तक पहुँच जाए, तो ये एक बहुत बड़ा भगवान की ही पूजा मानी जाती है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर बार मिला, जिनको अपना घर परिवार मिला है, और कई ऐसे हैं जिनको अगर घर परिवार नहीं मिला तो उनका अपना घर ये अपना आशियाना ही है उनका। अगर वो नहीं घर बार बिता रहे तो कम से कम वो सड़कों के ऊपर जो एक नरकीय जीवन, अमानवीय जीवन जो जी रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, सिर पे छत नहीं है, ठंड है, गर्मी है, पता नहीं कैसे सहन करते हैं। कुछ अक्षम बुद्धि के होते हैं, मानसिक पूरा काम कर नहीं सकता इनका, तो ये सड़कों पे रुलते रह जाते हैं। लोग इनको बैगर्स से भी बुरा बिहेव करते हैं इनको, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कोई किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन अगर हेल्प करने पे आए तो भगवान जी को भी पा सकते हैं, ये भगवान को पाना ही होता है। अगर एक पिछड़ा आज उसके माता पिता जब उसको मिले, लिटरली ऐसे रो रहे थे जैसे कि बरसों से उनका पिछड़ा हुआ था, अब वो उनको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, उनके पास लिपट लिपट के बैठे हुए हैं। और उनका आपने देखा जब वो आप उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तब उनके पिता की आंखों में आंसू, माँ से तो बोला ही नहीं जा रहा था उसकी, उनकी जुबान के ऊपर उनकी वाणी में इतनी करुणा थी, इतना प्यार था कि अपने बच्चे के प्रति मिलना। तो ये हम सहज महसूस कर सकते हैं, हम सब बच्चों वाले हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि बच्चे जब बिछड़ जाए और मिलते हैं तो कितना खुशी होती है, और बिछड़ते हैं कितना गम होता है। आपके माध्यम से बारंबार हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करके लोगों से अपील करता हूं कि कोई भी ऐसा असहाय जख्मी व्यक्ति, मानसिक बुद्धि का हो या कुछ ऐसा हो, अगर वो कहीं सड़क पर आपको मिलता है तो आप उसको नकारे ना, उसका प्रयास करें, उसके लिए प्रयास करें। आप एक कदम बढ़ाओगे, खुदा परमात्मा राम जी आपकी तरफ हजारों कदम बढ़ाकर आएंगे, और भगवान जी ने चाहा तो उसको उसका परिवार मिल सकता है। आपका एक कदम यही है कि आप उसको हेल्पलाइन नंबर से, सोशल मीडिया से, आपके माध्यम से, उपल जी के माध्यम से, जो भी है उनको कॉन्टैक्ट करें, या हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 9419416110073 जो अभी बोर्ड के ऊपर भी हमने लिखा हुआ है, और इस बोर्ड के ऊपर भी हमने एक ही प्रार्थना की है, भी कहीं कोई लाचार बेसहारा दिखाई दे तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करें, तो उसको यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, नहीं तो उसको अगर घर परिवार मिल जाता है तो उसको घर परिवार के अंदर भिजवाने की पूरी भरसक प्रयास रहता है। हमारे साथ हमारे चरणजीत बाली जी हैं, जगमेर पाल जी हैं, जो हर समय इस सेवा कार्य को निभाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज बच्चा है, मिल गया है, कहीं ना कहीं आपको भी खुशी होती है कि यहाँ पर जब एक परिवार आपस में मिलता है, बिछड़ा होता है, खुद को मन को भी शांति मिलती है? हमें इतनी खुशी होती है कि इससे ये देखे कि जिस परिवार का बालक मिला उसको खुशी हुई, मगर उनसे कई गुना ज़्यादा हमें हुई जी। और उस कई गुना के अलावा इस टीम में जो हम आप सब मिल के जो ये प्रयास जारी है, और उस प्रयास से कितनी खुशी होती है कि एक व्यक्ति आपके कार्य से और वो अपने परिवार से जुड़ा जी। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और अगर कोई बात है, मैं तो यही कहता हूँ, समाज में हर आदमी दुखी प्राणी का अगर सहायता करेंगे, भगवान जी भी आपको खाली नहीं आते जाने देंगे।
ये मेरा मानना है। और भगवान जी चाहें और उनकी इबादत कहीं भी कर लो मगर मन साफ ना हो वो नहीं लगेगी, सबसे अधिक यही लगेगी। पवित्र मन से आप किसी एक व्यक्ति की भी अगर आपने दिन में किसी की सहायता की, वो आपने मंदिर में इबादत की, मंदिर में पूजा अर्चना की, यही मेरी आज की वो है। तो यहाँ पर आपको बता दें अनु मैडम हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं यहाँ पर जो सेवा भाव के साथ जो है ये भी यहाँ काफ़ी समय से जो है करते हैं, हम क्या कहना चाहेंगे? जय सियाराम जी सबको, IBN 24 का तहे दिल से शुक्रिया, और आकर्षण उपल भैया का, दर्पण उपल और सभी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं, जिन्होंने ऐसे मानवता के प्रति अपने कदम बढ़ाते हैं और कदम बढ़ाते हुए ऐसे मानवता की सेवा करते हैं। कहीं पर भी इनको आपको सड़कों पर लाचार मंदबुद्धि मिलते हैं तो आप अपना आशियाना से संपर्क करते हैं, और अभी मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए इस बात को, और आप लोगों के जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनके शेयर करने मात्र से ही आज देख रहे हैं कि एक परिवार का बिछड़ा हुआ बच्चा जो मात्र 22 साल का भी नहीं है अभी, और वो अपने माता पिता से मिला और खुशी के आंसू जो झरझर बह रहे हैं उनकी। एक बार अगर हम सोच के देखें, अगर हमारे माता पिता जो अभी हैं हम उनके साथ रहते हुए कई बार हम उनसे नहीं मिल पाते तो हम कितने व्याकुल हो जाते हैं। तो ये तो 1.5 साल से अपने घर से बिछड़ा हुआ है बच्चा है, माता पिता कितने दुखी होंगे इसके लिए, पता नहीं उन्होंने क्या क्या सोच रखा हो, अभी जीवित भी है या नहीं है, लेकिन आज उसे जीवित अपने समक्ष पाकर कितनी खुशी मिल रही होगी। अगर हम भी एक छोटा सा प्रयास करें कि कहीं पर भी हमें सड़कों पर ऐसे लाचार मंदबुद्धि अक्षम बुद्धि के मिलें तो हम उन्हें मीडिया के थ्रू ही चाहे इन्हें हम अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करें। हो सकता है कई घर बिछड़े हुए, कई बच्चे घर से बिछड़े हुए, कई माताएँ बिछड़ी हुई जो कि आज हमारे पास यहाँ रह रही हैं, वो अपने परिवार से मिल सकते हैं। और कहते हैं कुछ ऐसे कर्म कर तू इंसान, कुछ ऐसे कर्म कर तू इंसान कि तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे को मिल सके मुस्कान। तो आप देख पा रहे हैं इस बच्चे के चेहरे पर कितनी मुस्कान है, माता पिता के भी मुस्कान के आंसू निकल रहे हैं उनसे भी। तो भगवान जी से यही चाहते हैं इस बच्चे को लंबी आयु दे, दीर्घ आयु दे, और ये बच्चा स्वस्थ रहे और अपने माता पिता के साथ अच्छे से रहे, यही हम सबकी प्रार्थना। और आप सबका हम बहुत धन्यवादी करते हैं जो आपने इस वीडियो को हमारे साथ बनाया और लोगों तक जन जन तक पहुँचाया। आज मीडिया हमारे लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा कर रहा है, आज हमारे परिवारों में भी और सब सोशल मीडिया में भी आप सबका बहुत रोल है, सबका हम तहे दिल से धन्यवादी हैं। अपना आशियाना की टीम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम। तो आपको बता दें कि इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं अपना आशियाना में हम आए हैं, और जो रोहित है वो फिलहाल जो है उसके मम्मी डैडी के साथ वो अंदर बैठा है। आपको एक बार जो है दोबारा से हम जरा एक बार चलते हैं, और क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि अपना आशियाना में जो परिवार है आप देख सकते हैं, परिवार जो है बच्चे के साथ इस समय जो है बड़ा ही दुलार के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आंसू रोहित के भी आँखों में आंसू आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं है, प्यार बहुत होता है, और घर परिवार का जब कोई सदस्य 1.5 साल से आप समझ सकते हैं और कुछ अता पता नहीं था, कंप्लेंट भी कर दी थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला था, और यहाँ तक ये भी कहा गया कि पुलिस ने भी कहीं ना कहीं जो है अपनी तरफ से कितनी कोशिश की कितनी नहीं, इसके बारे में भी परिवार ने कहा कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया दोस्तों आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो है ये आज के समय के अंदर जो है अगर किसी चीज़ के कोई दुष्प्रभाव होते हैं लेकिन उसके कुछ सकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया आज कितना ज़्यादा लोगों को जो है अपने परिवार से मिला देता है। और आपसे कहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले। तो क्या कहना चाहेंगे सर, खुश हैं परिवार? सर हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, हम हमारा बच्चा मिल गया इस बात से हम अपना बहुत शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमारा बच्चा बहुत उठता या बोलता था नविता। तो यहाँ पर आपको बता दें उनके जो पिता हैं और किशनगंज जो किशनपुर गांव है यूपी से गाजियाबाद से आगे पड़ता है, और वहाँ पर जो है जिला बिलैन शहर है, गांव किशनपुर है, हाँ तहसील सिकंदराबाद है, वहाँ के रहने वाले हैं हम, गांव किशनपुर के। हम 1.5 साल से खूब रात दिन परेशान रहे थे लेकिन हमारे बारिश भी पड़ती थी फिर भी हमको रात दिन यही चिंता लगी हमारा बच्चा कहाँ होएगा तो कोई वो चोर चोर करके कोई पीट रहा होएगा, वो बोलता नहीं है, वो मन में अनेक ख्याल भी आते होंगे, मन में तरह तरह के ख्याल भी आवे, कोई कोई ऐप भी लगा देता है, कोई तनक हाथ कर देता है, ये जैसे गाँव में ऐसे ही मेरे माई को तो छेड़ रहा है, ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आते थे तरह तरह के, किसी कोई मार रहा होएगा चोर चोर करके, कोई ऐप कर रहा होएगा, कहीं मेरे माई ऐसे कर रहा है, आज की दुनिया कैसी है, कोई ऐप भी लगा सकती है, लड़की भी हो चाहे बहू हो,
कि मेरे माई तो ये छेड़ रहा है, चाहे वो रोटी मांग रहा था, ये बोलता है नहीं है तो रोटी भी इशारे से मांगता है, इशारे से मांगता है। हाँ बचपन से ही, हाँ बचपन से ही। मैंने इलाज बहुत दूर दूर तक कराया लेकिन ये अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो डेढ़ साल कहना चाहेंगे कि इसका ध्यान रखें क्योंकि सड़क पे हमने देखा ठंड में पूरी रात कैसे दो ढाई महीने से उस जगह रह रहा था, उसके पहले कहाँ रहा था बहुत पता नहीं है। हाँ। तो लेकिन कल जब मिला, लेकिन आसपास के दुकानदार लोग इसे खाने को देते थे और फिलहाल तो जितना दुनिया कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें भी हो गया कि यहाँ पर जो है कम से कम अगर आप नहीं भी आते तो इसे एक अच्छा जीवन यहाँ ज़रूर मिल जाता। लेकिन फिलहाल जो है एक बहुत खुशी की बात है कि आपका परिवार आपको मिल गया है। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि उनका जो परिवार है वो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि परिवार उनका मिल गया है, बहुत खुश हैं और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। और फिलहाल आपको बता दें कि जो रोहित है उसका परिवार आपको बता दें यूपी से और जो है और यहाँ पहुँच कर फिलहाल आपको बता दें जो रोहित है वो भी बड़ा जो है यहाँ पर भावुक हो गया, जो कि वो कोई बात नहीं करता है, वो कुछ अपनी भावना व्यक्त जो है अपनी ज़ुबानी नहीं कर सकता है, लेकिन इशारों के से वो अपनी बात समझाता है, कुछ खाने को चाहिए कुछ भी चाहिए। और ऐसे में अपना शियाना ने भी बहुत बड़ा जो आपको बता दें एक किरदार निभाया है और हम सब आप सब मिलकर ही जो है इस तरह से एक अच्छे समाज का जो है एक निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंदर एक दूसरे से मिलजुल कर ही अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और ऐसे ही जो परिवार है उनकी आंखों में जो आंसू थे वो देखने वाले थे और आप कहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। और फिलहाल जो है आपको बता दें कि एक परिवार आज मिल गया है, उसे देखकर जो है हम भी काफ़ी भावुक हो गए हैं। और फिलहाल फिर से जुड़ेंगे आई बिन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जाएंगे।